कंचे खेल रहा था तो मेरे दोस्त की बुआ ग्वालियर में रहती थी, बोला आपका लड़का कंचे खेलता है? बोले हमारे यहाँ तो वो वाले टपोरी लड़के कंचे खेलते हैं। और मैं बढ़िया उसमें फॉर्म में चल रहा था, और दोस्त की बुआ ग्वालियर में रहती थी, यहाँ केवल लूटपुरा, गदईपुरा, गोजीपुरा, बिल्कुल मुरार का इंटीरियर है ना, यहाँ के लोग खेल रहे। सिटी सेंटर का लड़का, बसंत बिहार का लड़का कंचे खेलते ही नहीं है, क्योंकि बसंत बिहार में रहता कौन है? डॉक्टर, सरकारी इंजीनियर, बिजनेसमैन। इनके लड़के कंचे नहीं खेलेंगे, अपनी तो पेप्सी के बोतल ही कंचों से भरी है ना। तो उन्होंने, उन्हें इतना बुरा लगा, बोले उन्हें अपने बच्चे से कहा इससे दोस्ती मत करना, ये कंचे खेलता। मैंने कहा तुम्हारे बच्चे की 2 साल में जितने परसेंटेज आती है उतनी मेरे 1 साल में आती है, कंचे कौन सा है? इसके बाद टायर घुमा रहे। अब यहां बच्चों को, सुनो सुनो, यहां बच्चों को स्कूटी मिल जाती है, हमें साइकिल बड़ी मुश्किल से मिलती है, हम टायर घुमाते हैं। हाँ, स्कूल स्कूल जा रहे, साइकिल तो मिली नहीं, चले जा रहे। आ रहा स्कूल, स्कूल के रास्ते में कहीं गिल्ली डंडा मिल गया तो खेल रहे, पहला पीरियड निकल गया। इसके बाद बहुत सारे खेल आते थे, बॉल मारते थे है ना, अरे प्लास्टिक की मारी हमने। हम लोग क्या करते थे, जो हमारे ग्रुप में सबसे बेकार होता था हम उसी को टारगेट। तो कई ग्रुप में ऐसे होते थे, एक जिसकी किसी से नहीं बनती, सबसे रूड रहता है, किसी से अच्छे से बात नहीं करता, तो हम लोग क्या करते, उसको जबरदस्ती इंक्लूड करते थे, फिर सब दोस्त मिलके उसी को अटैक करते थे, फिर वो कहते हमें नहीं खेलना पूरे में, जब वो लाल हो जाता था। और हम लोग पन्नी वन्नी से नहीं खेलते थे, प्लास्टिक वो भी जो व्हाइट कलर की आती है, हाँ उसको मारते थे। तो वो बचपन, सुनो, ऐसा कई बार भगा दिया जाता था है ना। जैसे हमारी एक दादी थी, एक मोहल्ले की दादी हमारे यहाँ आती थी। अब सुबह से संडे को रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला और माँ वैष्णो देवी सब आते थे, तो दादी का शेड्यूल था जितने आते थे सब देख के जाना है। अब वहीं जैसे खाना वाना खाना है तो दादी से पूछना पड़ेगा, ऊपर से वही तो पता, वही चलो वही दादी को नींद आ गई तो दादी सो भी गए तो उन्हें उठा भी नहीं सकते। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, कई बार सीढ़ी लगा देते थे, वो बोलते थे आज DD1 में मूवी आ रही है क्योंकि उनका एक कोई शो नहीं था, संडे को जितने शो है उन्हें सब देख रहा है, तो हमें कुछ नहीं लग रहा, पर हमारा डिज्नी आ रहा और दादी का कृष्णा आ रहा है, और दादी तो चपाट मार देंगी, पापा कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो हम लोगों का डिज्नी आ रहा। तो हम लोग क्या करते, दादी को धोखा देना शुरू। दादी आई, बोले कृष्णा लगा दो, वहां चल रहा गोविंदा का डांस उन्होंने कहा हरे गोविंदा, हरे गोविंदा नहीं, दूसरा गोविंदा चलो अब सुनो, 600 मांगने, जैसे मेरे एक दोस्त था मनीष, उसकी स्टोरी से अच्छी कोई स्टोरी इस पर रिजेंबल करती है, नाम ले लिया, पूरा सरनेम नहीं बता रहे। मनीष 12th में 35% विद ग्रेस, और उसका कॉम्पिटिशन चलता था आलोक नाम के एक लड़के से, उसकी थी 90%, दोनों मेरे रूम पार्टनर, आलोक भी मेरा रूममेट था, मनीष भी मेरा रूममेट था, मनीष 35, आलोक 90, दोनों के पापा में कॉम्पिटिशन चलता था। तो मनीष के पापा ने कहा आलोक IIT करने आया था, मेरा बेटा भी IIT करेगा, IIT वो भी मैथ्स में ग्रेस है, समझ लो मैथ्स का लेवल समझो, वो IIT करने आ गया। उसका होना था नहीं, उस समय होता था PET होता था, उसे मिला श्रीराम कॉलेज मिला, और सबसे बुरी ब्रांच मिली मैकेनिकल, कि सबसे पहले CS से शुरू होती थी, मैकेनिकल सबसे बाद में भरते थे। फर्स्ट सेम में होते 5 सब्जेक्ट, 100-100 नंबर के, 500 नंबर के, उसके टोटल 30, वो भी एक में 17 थे, बाकी 4 में 13, जिसमें 2 में 0-0। उसके 5 सेमेस्टर में 5ों में फेल, छोड़ो 500 में 30, पास का चांस ही नहीं है। वो घर में आया, फोन क्या हुआ, बोले 2 में बैक आ गई, 2 में, 5 का नहीं बताया कि घर वाले इंजीनियरिंग छुड़वा देंगे, गर्लफ्रेंड बन चुकी थी तो पापा से बोला, पापा हिंदी मीडियम है ना, तो इंग्लिश की पढ़ाई में उतने आसानी से कवर नहीं कर पाए, तो 2 में बैक लग गई, अब सही हो जाएगा। मुझे तो पता था, पूरे में सबसे ग्रुप में मैं ही छोटा, वो सब सीनियर थे मेरे, मुझे पता था। मैंने पापा को बुलवाया, उनके फीस देने आ रहे थे,
मैंने अंकल जी फीस देना है, वो आ गए। अब वो फीस भरने गए, मैंने फीस क्या भरना है, पहले प्रिंसिपल से मिल लेते हैं, कि उसका नाम रोशन हो गया था। पूरे श्रीराम कॉलेज में 500 में 30 किसी के नहीं थे। तो अब 80-80, 90-90 हजार फीस एक एक सेमेस्टर की जा रही, तो इतनी लाखों की फीस, लड़का कुछ नहीं करेगा, मुझे पता था। जिसके पांचों बैग है, मैं उनको लेके अंकल को प्रिंसिपल रूम में, तो बैठे, बोले नाम, उन्हें पता है आप किसके फादर, बोले मनीष सोनी, मनीष के, बैठिए बैठिए। उन्हें उन्हें लगा शायद बहुत अच्छा अच्छा कुछ कर रहा हो, दो में बैग हो, तीन में डिक्टेंशन विक्टेंशन मार दिया। तो उन्हें दिखाया रिजल्ट, बोले 2-0 जीवन में नहीं देखे हमने, 100 में बच्चा कुछ तो लिखेगा, 0। तो उनके पिताजी सोच में पड़ गए, उन्हें वहीं से मनीष को फोन लगाया, बेटा तुम्हें लग नहीं रहा तुम इंजीनियरिंग कर पाओगे। बोला हम कसम खाते पापा आप तो फीस भर दो, हम निकाल लेंगे। पापा ने फीस भर दी, मासूम पापा फीस भर दी। उसने फिर इंजीनियरिंग में क्या होता है, जब अगले 5 देते हो तो जितने फेल होते वो भी देने पड़ते हैं, तो उसने अगले 5 दिए, पिछले 5 दिए, अब वो 10 में फेल है। मतलब उसने जीवन में 15 दिए। तो इस टाइप का लड़का था। सुनो ये तो तुम्हें बता दिया उसका बैकग्राउंड, अब रियल स्टोरी है, 1 सेकंड की 10 सेकंड की सुनो। अब उस समय 20-25 सब्जेक्ट की आनी थी, एक 20-30 रुपए की थी, टोटल 20-150 की थी। महीने का एंड चल रहा था, उसके पास 100 रुपए थे, उसने हमसे 50 मांगे, हम लोगों ने नहीं दिए, क्योंकि उसे 50 रुपए देने का कोई मतलब नहीं, वो चाहे जितना पढ़ ले दिमाग में घुसता ही नहीं था उसके। तो मैंने उससे कहा कि नहीं दे रहा, क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, और घर लौट जाओ, कुछ और कर लो, PGDCA कर लो, कंप्यूटर की टाइपिंग सीख लो, क्योंकि इंजीनियरिंग तुम्हारे बस की बात है, 15 सब्जेक्ट में 15 में फेल होना, मतलब कब तक। फिर तुम्हें दे देंगे NFT, देते ही इंजीनियरिंग को, नॉन फिट फॉर टेक्नीशियन। तो उसको हमने नहीं दिए 50। जब उससे पूरा 2-3 घंटे जुगाड़ कर लिया, इतना उसका व्यवहार था कि वो 50 जोड़ भी नहीं पाया। हमें पता था गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड पहले छोड़ के चली गई, कि बोला हमारी लाइफ में दूसरा है आकाश, क्योंकि हम लोगों ने उसे पकड़ लिया था गर्लफ्रेंड को दूसरे के साथ। सो बोला कोई दिक्कत नहीं, लड़का बोला कोई दिक्कत नहीं। तो वो छोड़ो। तो उसने जब उसे शाम तक 50 रुपए की जुगाड़ नहीं हो पाई, तो उसने हमें 100 रुपए की पार्टी दी। बोला 150 तो हो ही नहीं रहे, 100 की पार्टी दी। वो मेरी लाइफ का सबसे कंजूस लड़का था। हम लोग फूलबाग में रहते थे, खेड़ापति में 99 में हॉस्टल था, सबसे महंगा हॉस्टल ग्वालियर का यही था। यहां से फूलबाग तक जाते थे 2 रुपए लगते थे, और फूलबाग में कोचिंग पढ़ते थे। वो हम लोग डेली 2 रुपए देते थे, उसने कभी नहीं दिए। पुआ खाते थे, वो कभी नहीं देता था। हम लोगों ने एक दिन नौटंकी की कि 5 लोग हैं, 4 लोग मना कर देंगे, पर्स नहीं लाए, तो इसको देने पड़ेंगे। तो हम लोग उतरे, अरे यार पर्स नहीं ले आए। 4 लोगों ने बोला, वो भी उससे पूछा, मनीष आज तुम दे दो। बोले मैं पैसे लाते नहीं, तुम दे देते थे। उसने बोला कि जब तुम डेली देते थे हम दे दे। तो सोचो इतना कंजूस। तो उसने डेली 2-2 रुपए करके महीने के 60 रुपए बचाए, हमने पूरे वसूल लिए। मैं ऐसे छोड़ता नहीं। जब उनके पापा आए तो हमने वो किताबें दिलवाई जो वो पढ़ता नहीं था, पर हमें चाहिए थी। हमने कहा अंकल जी से, पैसे किराए के दे नहीं रहा। हमने अंकल जी IIT के लिए सेल्फ स्कोरर बहुत जरूरी है। बोले ये तो पढ़ने में कमजोर है। हम कमजोर के होगा तो क्या होगा। हमने सेल्फ स्कोरर फिजिक्स 1000 रुपए की, केमिस्ट्री 1000 रुपए की। मैं बायो से था, वो मैथ का था, नहीं तो मैं बायो भी दिलवा देता। मेरे बस में नहीं था, नहीं तो मैं कहता IIT के लिए थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस वगैरह भी पढ़ना जरूरी। मैंने 2000 की किताबें दिलवा दी। तो मैं और मैं ऐसे नहीं तो ऐसे कवर करवाई लेता था, पर वो चला गया। हम लोगों के टर्म्स बहुत बुरे हुए, हम लोगों में बहुत झगड़ा हुआ। पहली बार मैंने किसी रूममेट को मारा तो उसी को मारा। हाँ, लेकिन उसने मेरे घर में, अपने घर में कह दी, उनके घर ने मेरे घर में कह दिया। मतलब बहुत बदतमीज टाइप का था। उसे ये नहीं पता था बोलना क्या है, उसे बिल्कुल नहीं पता। जैसे मेरा, हम लोग बायो वाले थे एक, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, उन दोनों में लड़ाई हुई। बोले तेरा बाप मर गया तो तू पैदा कैसे हो गया। तो अब वो जो, मतलब उसे ये नहीं पता था कि बोलना क्या है। अब मनीष था हट्टा कट्टा जो कंजूस, और जिसको बोला वो पतला सा। अब उसने विरोध किया, एक तरफ सिराजुद्दौला, एक तरफ अंग्रेज, कुचल दी गई सेना। तो जब मैं कोचिंग से लौट के आया तो नीरज रो रहा, मेरा जो रूममेट था बायो वाला, हम बायो वाले दो मैथ वाले, तो वो रो रहा था। मैंने क्या हुआ, बोले इसने मेरे पापा मम्मी के लिए ऐसा ऐसा बोला, मैं लड़ा तो इसने मार दिया। तो मैंने कुछ नहीं किया, उसे 2-3 हाथ मारे, पर मनीष आ गया। हम लोग क्या था, मेरे स्कूल घर सामने, तो हम लोग थोड़े गुंडे टाइप के थे। हमारा जो मोहल्ला था,
मतलब मैं उतना गुंडा नहीं था कि पापा डॉक्टर थे तो हम लोग उतनी गुंडागर्दी नहीं कर सकते, पर मैं जिस मोहल्ले से रहता था वो बहुत गुंडे वाला था, तो अपन क्या करते उस टोली में शामिल हो जाते थे और अपन को बस मौका दे के दो चार मार देते तो अपन उस टाइप के थे। तो उसको मैंने मार दिया, मनीष को मार दिया और अपने यहाँ पढ़ने लगा। अब वो बैठा बैठा थोड़ी देर उसने पता नहीं क्या सोचा, वो आ गया मुझे मारने के लिए, जो भी उसने मुझे चेयर समेत उठाया, तो हैंडल हैंडल हाथ में आ गए, नील कमल की चेयर और हैंडल हाथ में। इतने गुस्से में अंकल आए अगले दिन, बोले चेयर किसने तोड़ी। मनीष बोला मैं पंखा खोल रहा था टूट गई, 1500 रुपए और लग गए। चलो मतलब मेरी लाइफ में सबसे बुरा एक्सपीरियंस उसी के साथ रहा, बहुत ही बुरा, हद से ज्यादा। जैसे उसने रूम चेंज कर दिया, अब वो बोला मुझे मकान मालिक की लड़की अच्छी लगती है, उसने एक दिन बोला। अब पूरे सीनियर गांव के आए 50-100, 31 दिसंबर को पार्टी की, तो मैं सबसे छोटा था, बोले बताओ क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। मैंने कहा मकान मालिक की लड़की। अब मुझे नहीं पता इसने बीच में कब रक्षाबंधन भाई दूज मना ली। मतलब मकान मालिक ने क्या किया, रक्षाबंधन में उसको बुला लिया, राखियों की बंधवा दी, और मैंने थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया उस लड़की, मुझे क्या पता ये ऐसा कार्यक्रम बन गया। जैसे कोई मेरा दोस्त आगे बोले कि मुझे वो लड़की अच्छी लगती है और मुझे क्या पता तुम क्या। अब ये गाली देने लगा, बोले वो मेरी बहन लगती है। मैं कि जे कब हुआ। तो वहां झगड़ा हो गया, तो हम लोग ऐसे झगड़े होते थे। अरे वो अजीब आदमी था, तुम उससे बोल दो कि मम्मी पापा आ रहे हैं, तुम इस प्लेटफॉर्म पे रहो मैं उस पे जाता हूँ, फोन मोबाइल होता नहीं था, अगर प्लेटफॉर्म एक पे हो तो मैं पिक कर लूंगा, चार पे तुम हो। मैं मम्मी पापा को एक से लेकर आ गया, उसी के मम्मी पापा को 3 बजे, और उसे छोड़ दिया 4 पे। 8 बजे रात को ध्यान आया कि वो तो आई नहीं, मैं जब लौट गया तो वो वहीं था। मैंने पूछा क्या, बोले तुमने बोला यहीं खड़े रहो। तो बुद्धि समझ रहे हो, तो उसकी बुद्धि बहुत हाई लेवल की थी। हाँ अब मेरा वो दोस्त, हाँ एक मैसेज आया, वो मेरा दोस्त कर क्या रहा, वो कैमरा मैन है, शादियों में फोटो खींचता, तो वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। उसने बहुत सारी चीजें की, जैसे एक हार्डवेयर का कोर्स, एक जेट किंग का कोर्स होता है, वो भी किया उसने 3.5 साल में, है ना। तो वो अलग टैलेंट है, सुनो। और वो जब बोलता, देखो वैसे तो वो बोलता नहीं, पर वो बोलता है तो बहुत उल्टा सीधा बोलता है। वो बोलेगा तुम्हारी बहन के लिए, बोलेगा तुम्हारे मम्मी पापा के लिए, उसे वो लड़ना नहीं आता, उसे टांग खींचने नहीं आता। जब तुम उसका मजाक उड़ाओगे तो सीधे तुम्हारे मम्मी पापा का मजाक उड़ाएगा, तो इस चक्कर में पिटता था। चलो कंजूस। और इलास्ट, और वो लड्डू लाया आटे और घी के, सूटकेस में उसका लॉक खराब था, तो उसने चैन से बांध दिया था, बताया था। अब इतना बड़ा लड्डू था कि चैन से खोलने के बाद, सूटकेस खोलने के बाद ही लड्डू निकलेगा। मैंने क्या किया, पेचकस लाया, और इतनी सी जगह थी लड्डू नहीं निकल सकता था, मैंने पेचकस से लड्डू फोड़ दिए और सूटकेस पलटा दिया, पूरे लड्डू गिर गए। मैं ऐसा ही था, लड्डू नहीं निकले, आटे का लड्डू फूट गए। अब संडे को हम जाते थे गुप्ता के छोले भटूरे, सबसे सस्ते छोले भटूरे यहीं आते हैं गुप्ता जी के, रेलवे स्टेशन में। बहुत अच्छे, हाइजेनिक नहीं है पर सस्ते, स्टूडेंट उन्हीं को प्रेफर करते हैं। देखो अर्निंग वर्निंग थी नहीं, जो मंथली आता था 600 रुपये रेंट था, 800 रुपये टिफिन था, 200-300, तो 2000 रुपया करीब मिलता था, 2006 की बात है। तो संडे को टिफिन ऑफ रहता था, तो हम गुप्ता जी के यहाँ जाते थे 15 और 12 रुपये में। वो नहीं जाता था, वो खाता था आटे के लड्डू और 2 लीटर पानी। अब संडे हुआ, उसने खोली चैन, सुरेश खाली। मेरे साथ जितने रूममेट्स थे सबने, जो अच्छे थे उनने बहुत एंजॉय किया, है ना, और उसने बस एंजॉय नहीं किया। वो लाइफ में अभी भी हम लोग मिलते हैं, वो रास्ता बदल लेता, ऐसे 2-3 दोस्त थे जो मुझे देख के रास्ता बदल लेते। कैसा, अरे कि ये सब सीनियर थे, ये सब सीनियर थे, फिर लोगों ने श्रेणी सुधार किया तो ये मेरी क्लास में आ गए, तो ये सब इनके ग्रुप में छोड़ा था। ये लोग बहुत लाड़ प्यार से रखते थे मुझे, है ना, पता चला भिंड मुरैना से लड़ाई, मैं लड़ाता था, ये हैंडल करते थे भिंड, मुझे थोड़ी पता था भिंड मुरैना वाले ज्यादा ही खतरनाक है। मुझे लगता था मेरे गांव का, मेरा मोहल्ला सबसे खतरनाक है, तो मैं वही मान के चलता था। एक लड़के से लड़ाई हुई मैच में, मैंने लात मार दी, मुझे लगा वैसे ही है। मेरे दोस्त बोले अब क्या कर दिया तुमने, हम निपटो। तो मैं छोटा था, मैं लड़ा रहा आता था, ये निपटते रहते थे, तो ऐसा चलता था। चलो बाद में धीरे धीरे पता चला इनसे लड़ना नहीं है। अब सुनो, मतलब अलग ही लाइफ है। चलो अब टेबल सुनो, टेबल। अब आज ज्यादा कहानी हो गई, अब S1 और S2 पे देखो। मेरे लाइफ में ऐसे इंसिडेंस है तुम लोग सोच नहीं सकते। कई लोग मैसेज आए ना, ऐसे ही है।
भाई एक लास्ट स्टोरी मैं मान लास्ट स्टोरी मैंने कई लोगों ने सुनी कई लोगों ने सुनी, वो होते ना लोई पीटने वाले अगरिया, तो हम लोगों के यहाँ नया नया तालाब बना तो बंजारे, तो उनका बच्चा नहा रहा था, वो ट्यूब में नहा रहा था, ट्यूब से डूबते नहीं है। मेरे दोस्त को ट्यूब चाहिए था, उससे मांगा, उसे हिंदी विंदी आते नहीं थे, आई नहीं मेरा उस दोस्त का नाम वैसे दिलीप था, पर हम लोग गब्बर बोलते थे, चोर बहुत अच्छा था वो, हाँ चोर, अपनी बुआ के यहाँ चोरी करने घुसा, बुआ ढूंढने गई तो भूसे में डाइव लगा दी, अंदर छिप गया, वो अच्छा चोर था। जब हम लोग 8th में थे तब वो मुझे 10,000 रुपये दे रहा था, मुझे, मैंने कहा मैं 10 रुपये खर्च नहीं कर सकता जीवन में, तुम 10,000 दे रहे, पर दूसरे लोगों ने उससे लूट लिया, ऐसे लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो खा लेते। तो क्या हुआ, उस गब्बर ने उसे टायर मांगा, उसने मना कर दिया, गब्बर ने उसे मार दिया, अपन दोस्त लड़ रहे हो क्यों ना जाए, मैंने ज्यादा मार दिया। अब वह भूल गया कि शुरू किसने किया, उसे याद रह गया मैं, और मुझे स्पेक्स 8th क्लास में भी लगता था, तो उसे याद रह गया चश्मे वाले ने मारा, अब करके चला गया, हम कहे ठीक है क्या कर लेगा। अब हम लोग चड्डी में नहा रहे और वहां से वो लड़का लोहे के आस्ते हसिया लेके आ गया, ठीक है निपट लेंगे। वहां उसका छोटा भाई, पापा, मम्मी सब आ गए, 6 लोग हसिया लेके आए, और मैंने ये मटर बटर से डरते भी नहीं है, आज ये काट देंगे। तो आए हम लोग जैसे थे वैसे ही, मैं कपड़े लिए, पहनने का मौका था नहीं, कपड़े लेके भागे। मैं, मेरा दोस्त, 2-3 थे, जिस गब्बर ने लड़ाई लड़ी वो कह रहा वो भगरा चश्मे वाला, वो भगरा। मैं और मेरे दोस्त जो बाद में इन्वॉल्व हुए लड़ाई में, मैं, भरत तो सचिन चड्डी में भाग रहे, और जिसने लड़ाई शुरू की वो कह रहा वो भी भगे बहुत। अब 6 लोग पीछे पीछे, हम 3 चड्डी में। अब वो गांव के बाहर तालाब, भागते भागते गांव आ गए। अब हाँ, अब हम लोग एक घर की बाउंड्री वॉल छोटी थी उसको जंप कर गए। वहां एक आंटी लाल मिर्च या कुछ ऐसे फटकार रही थी, उन्हें लगा चड्डी गैंग ने अटैक कर दिया। उस समय एक उस समय गैंग आती थी, पूरे सरसों का तेल लगा लेती थी, चड्डी में चोरी करती थी, जैसे तुम रात को पकड़ो तो फिसल जाओ, और कपड़े पहनते नहीं थे कि कपड़ा पकड़ में ना आए, जैसे तुम शर्ट पहने हो तो कोई टी शर्ट पकड़ सकता है, तो वो चड्डी में चोरी करते थे और पूरा ऑयल लगा के, और हाँ जैसे, तो उन्हें, अब हम लोग के घीले थे, अब वो महिला चिल्ला लगी, ओ दैया ओ राम चोर चोर। हमने कहा माता तुम बताओ गेट कहाँ है, वो गेट पर, वहां से हम गए कपड़े वपड़े पहने। तो गाँव के, तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट। ओ पापा डॉक्टर, सुनो, पापा को पता नहीं लड़का कांड क्या कर रहा, पापा कह रहे म्यूजिक क्लास जाओ, मैं जा रहा हूं अखाड़े। पापा को पता कब चला, जब मैंने 2 की हड्डी तोड़ी, एक राजेश एक इरफान, मैंने 2 की हड्डियां तोड़ी, 2 ही बार लड़ा, दोनों बार हड्डियां तोड़ी उनके, इसके बाद मैंने तोड़ी बंद, आते थे पापा के पास, डॉक्टर साहब जोड़ दो। इस चक्कर में तो पापा चाहते थे मैं बहुत सीधा बनूं, और मैं सब अदर अदर एक्टिविटीज में चला गया। चलो अब सुनो, अब टेबल सुना, माइंड फ्रेश हो गया, सुनो 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 सुनो, खून बढ़ गया होगा, अब रिलैक्स होगा।